हेलो एवरी वन एंड अ वेरी वॉम वेलकम टू शिक्षा गाइज इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस एग्रीकल्चर स्टैटिक एमसीक्यू पहले भी तीन लेक्चर्स इसके हो चुके हैं लेक्चर्स सारे देखें स्पेशली आई बी पी एस एफ ओ के बच्चे जो हैं करंट अफेयर्स के स्कीम्स के जितने भी लेक्चर्स एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से रिलेटेड डल रहे हैं सब देखें आपको काफ़ी यूजफुल रहेंगे वो एंड बिफ़ोर गोइंग ऑन टू द MCQs सी plus टू थाउजेंड प्लस नॉन वीडियो एम कोर्स है लिंक डिस्क्रिप्शन में है काफ़ी यूजफुल रहेंगे आपको ये एम सी कई बार बच्चे कहते हैं यार एम तो ऑनलाइन फ्री में मिल जाते हैं तो आप पैसे ले रहे हो बेटा वो एम तो आपको फ्री में मिल जाएंगे लेकिन एम एक तो आपको यहाँ पर क्विज़ के फॉर्म में मिल रहे हैं चलो क्विज़ फॉर्म में भी आपको फ्री मिल जाएंगे इंटरनेट पर बट अल्टीमेटली जो उसकी एक्सप्लेनेशन है ना वो कोर है और इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज ऐसे हैं जो आपको इंटरनेट के ऊपर भी नहीं मिलेंगे जैसे क्रॉप डेटा के ऊपर जो एमसीक्यूज हैं या रिपोर्ट्स में से स्कीम्स में से जो एमसीक्यूज हैं वो आपको इंटरनेट के ऊपर नहीं मिलेंगे और अल्टीमेटली पेपर के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं चलिए जल्दी से आते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर पहला क्वेश्चन है कि वीडी राइस का साइंटिफिक नेम आपसे पूछ रहा है कि वॉट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ वीडी राइस ऑप्शन में है एकाइनोक् कॉलोना क्लोरिस बलबेटा पेनिकम एस पी ऑरेजा एस पी पी और नन ऑफ दी अब आपको बताना है वीडी राइस का साइंटिफिक नेम इस टाइप के क्वेश्चन आई पी पी एस एफ नबार्ड हर तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं वीड्स के ऊपर साइंटिफिक नेम पे वो पूछ लेता है सो द राइट आंसर इन दिस केस गाइज इज औरजा एस तो बेसिकली जो आपका आ, राइस का आता है वही यहाँ पर सिमिलर साइंटिफिक नेम औरजा एस पी इसमें आ जाता है ओके एंड वन ऑफ द मोस्ट ट्रबलिंग वीड इसको कंसीडर किया जाता है राइस के अंदर और अगर ये वीड अटैक हो जाए ना 90 परसेंट तक यील्ड लॉस हो जाता है इफ योर वीडी राइस इन्फेस्टेशन अकर्स इन योर राइस फील्ड ठीक है तो काफी डेंजरस होती है एंड जो वीडी राइस है ना इसका uh, इतना ज्यादा इन्फेस्टेशन बढ़ता क्यों जा रहा है क्योंकि पहले क्या होता था हम uh, जो थे पडल्ड ट्रांसप्लांटिंग करते थे अब डायरेक्ट सीडिंग होने लगी के केस में जो है चांसेस कम रहते थे वीडी राइस की इमर्जेंस के इमरजेंसी के एज कम्पेयर टू डायरेक्ट सीडिंग तो वो एक मेजर रीजन यहाँ पर बनता है वीडी राइस के इंक्रीज का चलिए आगे क्वेश्चन नंबर टू के ऊपर आ जाए क्वेश्चन नंबर टू क्या है विच अमंग द द फॉलोइंग इज नेम ऑफ वी डी राइस इन इंडिया वी डी राइस का ऑल्टरनेटिव नेम पूछा हुआ है तो रिलेटेड क्वेश्चन ही है ऑप्शन ए कहता है रेड राइस बी कहता है वाइल्ड राइस सी विंडी राइस डी एयर राइस एंड ई ऑल ऑफ अबव तो यहां पर अब आप आपको बताना है कि इनमें से वी डी राइस का ऑल्टरनेटिव नेम क्या है द राइट आंसर इन दिस कैस गाइज इज ऑल ऑफ अबव ये चारों नामों से जो आपका वीडी राइस है ये जाना जाता है इसको रेड राइस भी कहते हैं वाइल्ड राइस भी कहते हैं विंडी राइस भी कहते हैं और एयर राइस भी इसको बोला जाता है इंडिया के अंदर ठीक है तो ये सारे नाम आ जाएंगे साथ ही साथ इसको पेडियंग भी बोला जाता है तो ये भी याद रखिएगा थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ अगेन वीडी राइस के ऊपर ही क्वेश्चन है एंड आपको स्टेटमेंट्स कुछ गिवन है आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो वीडी राइस के ग्रेन होते हैं ना वो कल्टीवेटेड राइस यानी कि जो आपका मेन राइस क्रॉप है, उसके मुकाबले वीडी राइस के ग्रेन जो है वो जल्दी पक जाएंगे जल्दी राइप हो जाएंगे दूसरा कहता है कि जो वीडी राइस की स्टेम है ना वो कल्टिवेटेड राइस के मुकाबले ज्यादा ब्रिटल होती है तीसरा कहता है कि वीडी राइस के अंदर फ्लावरिंग कल्टिवेटेड राइस से पहले हो जाती है चौथा कहता है कि ऑल ऑफ दी एबीसी और ई e कहता है नन ऑफ अबव आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है अब अगर वीडी राइस के बारे में किसी ने पढ़ा हुआ है ना वो ही इसका आंसर दे सकता है इसमें तुक्काबाजी जो बच्चा लगाने की कोशिश भी करेगा उसका आंसर जो है डेफिनेटली गलत ही होगा यहाँ पर आपका जो, सही गा जो ग्रेन है वो जल्दी पकेगा कल्टिवेटेड राइस के मुकाबले वीडी राइस की जो स्टेम है वो ब्रिटल ज्यादा होगी कल्टिवेटेड राइस के मुकाबले और फ्लावरिंग जो है वो भी वीडी राइस में कल्टिवेटेड राइस के मुकाबले जल्दी होगा ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपको याद रखने फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ स्टेल सीड बेड टेक्निक इसका यूज किस चीज की मैनेजमेंट के लिए किया जाता है स्टेल सीड बेड टेक्निक इज यूज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ ऑप्शन ए पेस्ट बी वायरसेस सी वीड्स डी न्यूट्रिएंट्स ई नन ऑफ द अबव स्टेल सीड बेड टेक्निक का यूज किसकी मैनेजमेंट के लिए किया जाता है ए पेस्ट बी वायरसेस सी वीड्स डी न्यूट्रिएंट्स और ई नन ऑफ द अबव ठीक है तो यहां पर आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो वो क्या होगा सबसे पहले वो देखेंगे तो स्टेल टेक्निक का बेटा यूज किया जाता है वीड की मैनेजमेंट के लिए अब ये स्टेल सीडबैक टेक्निक होती क्या है इसको थोड़ा सा समझ लो स्टेल सीडबैक टेक्निक बेसिकली वीड मैनेजमेंट के लिए होती है और राइस फील्ड्स में बेसिकली वीड मैनेजमेंट के लिए होती है इसके अंदर आप उन एरियाज में इसको यूज कर सकते हो जहां पर आपकी राइस प्लांटिंग के लिए अभी आपके पास टाइम है ठीक है इंडिया के अंदर तो जैसे नॉर्थ इंडिया में तो सबसे मेजर प्रॉब्लम ही होता है ना टाइम की कमी होती है हमारे फार्मर्स के पास लेकिन अगर आपके पास सफिशियंट टाइम अवेलेबल है सफिशेंट टाइम अवेलेबल है तो आप क्या करोगे आप लैंड को पूरा प्रिपेयर कर लोगे अभी उसमें आप कोई राइस के सीड्स नहीं सो करोगे कोई ट्रांसप्लांटिंग नहीं करोगे सिर्फ लैंड को प्रिपेयर कर लोगे लैंड को प्रिपेयर करके आप उसको छोड़ दोगे ठीक है जो वीडी राइस है उसको अपने आप आप जर्मिनेट होने दोगे जो भी वीड वगैरह उसको जर्मिनेट होने दो लैंड के ऊपर लैंड को अच्छे से प्रिपेयर करके उसको छोड़ दो उसमें कोई सीड स्विंग नहीं करनी कोई ट्रांसप्लांटिंग नहीं करनी और एक बार जब ये वीडी राइस या बाकी के वीड्स जर्मिनेट हो जाएंगे उसको फिर उनके दो से तीन हफ्ते बाद उनके जर्मिनेट होने के उसको डिस्ट्रॉय कर दो ठीक है और उसके बाद फिर क्रॉप को आप स्टेब्लिश करो और स्टेल स्टील वे टेक्निक सबसे ज्यादा तब यूजफुल रहती है जब आप इसको दो या तीन बार रिपीट कर लो ठीक है एक बार आपने

फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ जी फिफ्थ क्वेश्चन है कि एच यू आर नाइन वन सेवन अ वेरायटी ऑफ एक्स डेवलप्ड बाय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इज नोन फॉर इट्स मीडियम ड्यूरेशन ग्रोथ पीरियड ठीक है जी एच यू आर नाइन वन सेवन बेसिकली किस क्रॉप का वेराइटी है ये आपसे पूछना है बाकी बी एच यू ने डेवलप किया है और ड्यूरेशन ग्रोथ पीरियड जो है वो मीडियम है तो ये सारी तो चलो बातें हैं फीचर्स हैं मेनली तो आपको ये बताना है कि इसके अंदर ये वेराइटी किसका है वीट का है मेज का है राइस का है ग्राम का है या नन ऑफ तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा द राइट आंसर इन दिस केस गाइज विल बी ऑप्शन सी राइस सो एच यू आर नाइन वन सेवन जो है ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो आपकी वाराणसी की उन्होंने इसको डेवलप किया है मीडियम ग्रोथ पीरियड है इसका वन थर्टी टू वन थर्टी फाइव डेज में ग्रो हो जाती है उसके अलावा जो है हाई है अच्छा यील्ड देती है एरोमा भी अच्छा है उसके अलावा लॉजिंग और नेक ब्लास्ट डिजीज रेजिस्टेंस है ग्रेन क्वालिटी काफी अच्छी होती है पैंतालीस से पचपन क्विंटल पर हेक्टेयर तो एच यू आर नाइन वन सेवन ओके मीडियम ग्रोथ वेराइटी राइस का इतना याद रखेंगे कुफरी पुखराज इज अ अरा ऑफ ये जो जितनी भी वेरायटीज पूछी जा रही है कही ना ये कहीं ना कहीं न्यूज में या रेफरेंस में या कहीं थी तो इसी वजह से इनको लेकर के आया गया नहीं तो वेराइटीज तो ऐसे बहुत सारी हैं वेराइटीज के ऊपर एमसीक्यू बनाने लगे तो पांच हजार क्वेश्चन तो वराइटी के ऊपर बन जाएंगे ठीक है लेकिन ये वेरायटीज कहीं ना कहीं इनका कही रेफरेंस किसी मैगजीन किसी न्यूज किसी बुक के अंदर स्पेसिफिकली आया है तो इनको यहाँ पर एमसीक्यू में डाला जाएगा कुफरी पुखराज इज अ वेरायटी ऑफ ए राइस बी वीट सी पोटैटो डी टोमेटो ई पीस ठीक है सिंपल क्वेश्चन है या तो आते हैं या नहीं आते हैं ठीक है ये क्वेश्चन में तुक्का लगा के बेवकूफी है इस क्वेश्चन देखो मैं, कह, मैं ऐसा नहीं कहता कि बिल्कुल गैस वर्क मत करो गैस वर्क भी पेपर के अंदर करना पड़ता है कई बार लेकिन वो गैस वो होना चाहिए जिसके अंदर आपको चलो जिसमें हंड्रेड परसेंट एश्योरेंस होती है वो तो ये होता है कि आपको आता है गैस भी आपको उस क्वेश्चन में करना चाहिए जिसके अंदर आपको सेवेंटी टू सेवेंटी फाइव परसेंट मिनिमम एश्योरेंस हो उसके अंदर गेस्ट वर्क करना चाहिए आपको जो मे, मे, मेरी गाइडेंस है मैं बच्चे को कभी रिकमेंड नहीं करता कि अगर वो सत्तर परसेंट से नीचे उसका श्योरिटी लेवल है ठीक है तो वो गेस्ट वर्क करे ओके okay, तो वर्क अगर उस केस में आप तुक्के लगा रहे हो कि यार हल्का सा बस लग रहा है फिफ्टी फिफ्टी भी हो तब भी आप बेवकूफी कर रहे हो बेटा और कुछ नहीं है तो कूफी पुखराज किस चीज का वेराइटी है राइट आंसर इज पोटैटो पोटैटो का वेराइटी सेवंथ क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ. उदय काशी उदय किसका है? उदय दोस्तों पीज का वेराइटी है ठीक है पी e, so, का, का वेराइटी है काशी उदय ये सारी की सारी वेराइटी मैगजीन के अंदर थी इसी वजह से इनको यहां पर डाला गया है काशी राजंस किसका वेराइटी है अगेन ऑप्शन ए पीस बी फ्रेंच फ्रेंचबीन सी सोयाबीन डी ग्राम ई ऑफ के बारे में डिटेल डिस्कस नहीं की है सो द राइट आंसर इज फ्रेंच बीन और इसको आईसीएर आई आई बी आर ने डेवलप किया है बुश टाइप है हाई है और कॉलर रॉट और बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज रेजिस्टेंट है तो वो अगर आपसे पूछता है कि काशी राजंस जो है वो किस पर्टिकुलर डिजीज से रेजिस्टेंट है तो आप बता दोगे कॉलर रॉट और बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज राइटी के ऊपर है काशी अमन इज अ पॉपुलर वेरायटी ऑफ ए अनियन बी टोमेटो सी पोटैटो डी गार्लिक इन ऑफ द काशी अमन सो द राइट आंसर हेयर गाइज विल बी ऑप्शन बी टोमेटो काशी अमन जो है वो आपका टोमैटो का एक पॉपुलर वेराइटी है और ये लीफ कर्ल्ड डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी है ये इसकी खास बात है इसको भी याद रखेंगे ठीक है दोस्तों तो नौ क्वेश्चन हमने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने थे आई होप आप लोगों को मजा आया होगा एक क्विक सेशन के अंदर एंड ये क्विक सेशन आते रहेंगे बस आपने हो सके तो चैनल को शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय